हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जितने भी साथी जो रेलवे की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिवीजन के द्वारा पहली बार मैंडेट फॉर्म भेजा गया है। स्टेशन मास्टर की जब ज्वाइनिंग चल रही थी तो उसमें मैंडेट फॉर्म सुनने को नहीं मिला, लेकिन अभी जो नई ज्वाइनिंग चल रही है लेवल 5 वालों की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैंडेट फॉर्म के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है। कैसे बनता है मैंडेट फॉर्म, और वर्तमान में जो यह मैंडेट फॉर्म देखने को मिला है यह ECR जोन के धनबाद डिवीजन का है। धनबाद डिवीजन के द्वारा मैंडेट फॉर्म जारी किया गया है, मांगा गया है, उसका फॉर्मेट दिया गया है। तो चलिए इसी सब टॉपिक को बात करते हैं। और आप लोग जितने भी साथी, चाहे आप किसी भी डिवीजन से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका बोर्ड हो, इस मैंडेट फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। हो सके आपके यह काम का हो, लेकिन नहीं भी काम का है तो भी आपको यह जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जानेंगे तभी किसी और को बता पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है यह मैंडेट फॉर्म। तो दोस्त, सबसे पहले तो देख लीजिए चेक लिस्ट में वन बाय वन करके कि जब आपकी नियुक्ति, अगर ECR में आप सिलेक्टेड होते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के थ्रू, चाहे जैसे आपका रांची हो गया, आपका RRB मुजफ्फरपुर हो गया, या RRB पटना हो गया, अगर आपको ECR सिलेक्टेड है, ECR डिवीजन जोन मिला है और धनबाद डिवीजन मिला है, या और डिवीजन में भी यह रूल चल रहा है, तो समझिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाना चाहिए, क्या क्या पहले से बनवा सकते हैं। सबसे पहला नंबर जो इसमें है कि आपको एटेस्टेशन फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म है, सत्यापन फॉर्म, जो लगभग हर डिवीजन का एक ही फॉर्मेट है। कोई डिवीजन इंग्लिश में भेजता है, कोई डिवीजन हिंदी में भेजता है, लेकिन यह सत्यापन फॉर्म हर डिवीजन के द्वारा भेजा जाता है। कहीं कहीं दो मांगा जाता है, कहीं कहीं तीन मांगा जाता है। तो देख लीजिए सत्यापन फॉर्म की एक प्रति भेजा गया है ज्वाइनिंग के लिए, और इसको दो प्रति में जीरोक्स कराना है, मतलब टोटल हो गए तीन एटेस्टेशन फॉर्म का तीन सेट हो गया। उसमें 1 से 7 तक जो है अधिकारी का नाम, उनसे साइन और मुहर लेना है, स्टाम्प लेना है, जो कम से कम 6 माह अथवा उससे अधिक समय से आपको जानते हो। तो दोस्त, एक बात और समझ लीजिए, इसमें जो धनबाद डिवीजन का यह जारी किया गया, इसमें मिनिमम 6 मंथ का क्रिटेरिया है कि 6 मंथ उसमें मेंशन करना है कि 6 मंथ से जानते हो। लेकिन आपको याद होगा कि चक्रधरपुर डिवीजन का जब ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया था, तो उसमें है कि मिनिमम 1 साल से कम आपको नहीं उसमें मेंशन करना है। कोई भी अधिकारी अगर अटेस्टेशन फॉर्म भरते हैं तो, या करेक्टर सर्टिफिकेट भरते हैं, तो मिनिमम 1 साल प्लस होना चाहिए। तो इस सब चीज को आपको पूरा ध्यान देना है। दूसरा चीज कि चरित्र प्रमाण पत्र पर जो अधिकारी हस्ताक्षर कर रहे हैं, निर्देशित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा ले, और सील और मोहर जरूर लगवाए, मतलब सील जरूर लगवाए, साइन करवाए, और उनका मोहर जरूर लगवा ले, स्टाम्प, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 था, 3 है ECR वालों के लिए, कि सभी शैक्षणिक और जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति और उसकी 2 सेट जीरोक्स करा के छाया प्रति, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्वयं अभी प्रमाणित करना है दोस्त। तो पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। उसके अलावा 20 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। यह लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, हर लेवल के लिए यह रूल लागू होगा। और आगे है कि 100 रुपये का नॉन जुडिशियल पेपर पर बॉन्ड टाइप करवाना है। पूरा मेंशन है कि आपको बॉन्ड पेपर टाइप करवा कर लेना है। इसमें सिक्योरिटी का भी है कि सिक्योरिटी सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, जो ग्रेड पे लेवल समान होना चाहिए या उससे अधिक का होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 2800 ग्रेड पे में जा रहे हैं, तो आपको 2800 वाले से साइन करवाएंगे तो भी चलेगा, या 4200-4600 वाले से करवाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2400 ग्रेड पे वाले से साइन नहीं करवाना है। तो यह खासकर ECR के धनबाद डिवीजन में यह है। सभी डिवीजन में सिक्योरिटी नहीं मांगा जाता है, कहीं कहीं सिक्योरिटी की जगह पर फादर से भी आप साइन करवा सकते हैं। तो जहां अगर ऐसा रूल आप लोग को मिलता है, अगर आपके डिवीजन के अकॉर्डिंग की सिक्योरिटी का मेंशन है, तो आपको बॉन्ड पर डाउनलोड करने के बाद, बनवाने के बाद, बॉन्ड पेपर टाइप करवा कर बनवाने के बाद, आपको ग्रेड पे का ध्यान जरूर रखना है कि सिक्योरिटी हम किससे ले रहे हैं, बॉन्ड पेपर पर खास के यह ध्यान देना है। उसके बाद है कि पैन कार्ड आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसको सही करवा ले, और पैन कार्ड और आधार कार्ड का 6 प्रति लेके आना है, मतलब 6 कॉपी जीरोक्स करा के लेके जाना है। उसके बाद बात आती है, यदि आप सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में अगर ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको NOC लेके आना है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो DV करवा लिए, NOC देके अब वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको रिजाइन का, जो आप रिजाइन करेंगे उसका रिलीविंग लेटर जमा होता है,
कहीं कहीं इसको रिलीजिंग बोलते हैं, रिलीज कर दिया वो, नहीं तो रिलीविंग लेटर बोलते हैं, तो वो आप लेकर जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग आराम से होगी। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, देखिए कि यदि आप एससी एसटी ओबीसी है, आप किसी भी कैटेगरी में आते होंगे, अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आपका चयन अगर आरक्षित समुदाय से हुआ है तो केंद्र सरकार जो आपको फॉर्मेट देती है, जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा कर लेके जाना है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए कि जनरल का तो कोई जाति नहीं लगता, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले जो साथी हैं उनका भी जाति नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी समुदाय से अगर आप संबंधित है तभी आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लाना है। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जाति बनता है क्या? तो बिल्कुल बनता है, तभी तो ईडब्ल्यूएस बनता है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 9 है कि यदि आप किसी अन्य नौकरी हेतु आवेदन किए हैं और चयन प्रक्रिया में शामिल है, मतलब अभी आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम हो सकता है ऑन फ्यूचर आपको कोई दूसरा जॉब हो जाए, कि आप फॉर्म भरे हुए होंगे या एक एग्जाम दे चुके होंगे, तो आपको वह डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है जो आप फॉर्म भरे थे या एडमिट कार्ड जो एग्जाम दे दिए, वो इसमें आपको लिखित रूप से देना भी है और संबंधित दस्तावेज लगा देना है। तो इस चीज का भी आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिए। तो ये सब तो नॉर्मल है, एक भी इसमें दिक्कत नहीं है। जो नया है वो, जिसके बारे में यह वीडियो है, वो आपको आगे दिखाते हैं कि उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है कि अभ्यर्थी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक एफिडेविट भी जमा करना है, तो यह आपको बनवा कर देना पड़ेगा। एनपीएस फॉर्म धनबाद डिवीजन वालों को बॉल, काला बॉल देख लीजिए, एनपीएस जो है 2 सेट भर के लेके जाना है, और वो भी ब्लैक बॉल पेन से, काले बॉल पेन से आपको यह भरकर जमा करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 जो कि हमारा आज का टॉपिक ही है कि मैंडेट फॉर्म यह क्या है। तो मैंडेट फॉर्म जो है इसको भरकर बैंक द्वारा सत्यापन कराकर लेकर आना है। तो मैंडेट फॉर्म का फॉर्मेट भी देखते हैं। और कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करना है। तो जो पॉइंट नंबर 12 है, जो आपका मैंडेट फॉर्म है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अब फॉर्मा देखिए क्या क्या आया था। तो जितने भी साथी जो लेवल 3 लेवल 2 में जाएंगे वो बिल्कुल देखे, इसको समझे। यहाँ पर देखिए आपको एनपीएस फॉर्म है 2 सेट बनाकर लेकर जाना है, ब्लैक मतलब काला पेन से भर के देना है। फैमिली डिक्लेरेशन आपको भर के देना है। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले को नहीं लगेगा, बाकी अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आपको बनवा कर देना है। अगर आप डीबी में दिए हैं तो आप वही उसका जीरोक्स भी होगा तो काम चल जाएगा। शपथ पत्र दिया गया है, इसको भी बनवा कर देना है। इंडेमनिटी बॉन्ड पर फॉर्म है, बॉन्ड का पूरा देख ही लिए है। फॉर्मेट अटैच हायर एजुकेशन जो है उसका भी यहाँ पर है। अटेस्टेशन फॉर्म सब डिवीजन में आता है, यहाँ भी है। यहाँ पर जो नया है वो है मैंडेट फॉर्म, तो इसी के बारे में बात करना है। तो देखिए मैंडेट फॉर्म का फॉर्मेट पहले आपको दिखाते हैं, डायरेक्ट बना हुआ ही आपको दिखाते हैं कि कैसे बनवाना है। इस यह दिखाने का मेन उद्देश्य है कि लेवल 3 और या लेवल 5 के जो सेकेंड पैनल थर्ड पैनल वाले साथी है तो उनको बहुत ही हेल्प होगा। अगर आपको धनबाद डिवीजन मिल रहा है या कोई भी डिवीजन मिल रहा है और वहाँ अगर मैंडेट फॉर्म मांगा जा रहा है तब आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो का लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और दिखाते हैं मैंडेट फॉर्म। तो दोस्त यह है आपका मैंडेट फॉर्म बाय वेंडर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर फॉर, देख सकते हैं। तो यह आपका मैंडेट फॉर्म का यही फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है, पर्सन पार्टी का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है उसको कैपिटल लेटर में यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस भरना है पॉइंट नंबर 2 में, फुल एड्रेस। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में है। 4 नंबर ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद 5 नंबर में आपका पैन कार्ड का डिटेल डालना है। और अब आगे देखिए 6 नंबर में पार्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट। तो आपका जो बैंक है, जैसे SBI है, कोई भी बैंक है, RBI नहीं, SBI है या PNB है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई भी बैंक अगर आपका है तो आपको इसमें फुल नाम मेंशन करना है, नेम ऑफ द बैंक। उसके बाद है ब्रांच का नाम लिखना है बी में, और ब्रांच का एड्रेस डालना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर है, लेकिन वो मैंडेटरी है, उसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है 9-डिजिट कोड नंबर ऑफ द बैंक एंड ब्रांच अपीयरिंग ऑन द MICR चेक इश्यू बाय बैंक। तो इसको होगा तो देख के अपना भर लेंगे अपने। उसके बाद है टाइप ऑफ द अकाउंट, आपका किस टाइप का अकाउंट है, SB है, उसके बाद करेंट है या कैश क्रेडिट है, तो इसको मेंशन करना है। उसके बाद IFSC कोड डालना है जिस जो आपके बैंक का है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ तक भरने में कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है।
उसके बाद पूरा ये डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर, तो पूरा पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। अब आगे क्या करना है कि देख लीजिए, यही मैंडेटरी फॉर्म मेन है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर पार्टी इम्प्लॉई, यह सिर्फ अभी धनबाद डिवीजन वाले को देखने को मिला है, हो सकता है कि और डिवीजन में भी मांगा गया हो, बट मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी हुई धनबाद डिवीजन वालों के लिए तो यह वीडियो लेकर आए हैं। तो यह देख लीजिए, यहाँ पर आपका साइन होगा, जिस डेट को आपका यह बना वह डेट यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आगे क्या होगा इसमें, यह भी देख लीजिए कि जो भी वहाँ के बैंक के अधिकारी है वह यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर अपना साइन, जो ब्रांच मैनेजर है यहाँ पर साइन करेंगे, बैंक का सील लगेगा और यहाँ पर हो गया काम आपका खत्म। यही मैंडेटरी फॉर्म है, यह मुख्यतः बैंक से संबंधित है कि यह मैंडेटरी फॉर्म, जो मैंडेट फॉर्म है यह बैंक से बनाना है और यहाँ पर बैंक जो है उनका मतलब सील लगेगा, साइन होगा और उनका यह आईडी नंबर है और यहाँ पर आपका यह बनकर तैयार हो गया है। तो और किस किस साथी को यह मिला है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो भी साथी जो लेवल 5 या किसी भी लेवल में धनबाद डिवीजन सेलेक्टेड है वह इस वीडियो का लाभ जरूर उठाएं और आगे भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो जरूरतमंद साथी है मैंडेट फॉर्म चूंकि पहली बार देखने को मिला है तो उनको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्त कैसी लगी यह जानकारी, और आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।